हम लोगों ने पिछली बार आइसोमेरिज्म का डिस्कशन शुरू किया था और हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और तमाम प्रकार के जो हमारे पास एग्जांपल्स थे वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दोस एग्जांपल्स एट ग्रेट लेंथ एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज की और उसके बाद वी वर एबल टू रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस डिस्कस ऑल द इश्यूज एंड नाउ वी आर मूविंग टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे जिसमें कि दो प्रकार के स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स हैं। एक है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड वी विल ट्राई एंड वाइंड दिस अप टुडे ताकि हम लोग अगले लेक्चर में अपने सिलेबस में हम आगे चल सके। नाउ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ बातें हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए सो दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स नाउ यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस सो यू आर फ्री फ्रॉम दैट और बट आई एम स्टिल वेरी अमेज्ड एंड स्टिल वेरी ग्रेटफुल कि एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपको एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी इसके बावजूद एक अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं। इट शोज दैट यू ऑल ऑल्सो हैव ग्रेट इंटरेस्ट फॉर द सब्जेक्ट और आप सीखना चाहते हैं लर्न करना चाहते हैं केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं लेकिन सब्जेक्ट के प्रति भी आपका एक रुझान है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इनक्रेडिबल थिंग। अब कोविड सिचुएशन है महामारी का दौर है तो सरकार बहुत सारे अलग अलग प्रकार के निर्णयों को लेती है लेकिन ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है कि पैंडेमिक का जो काल है ये चिरस्थायी नहीं है। यू नो इट्स नॉट ए परमानेंट सिचुएशन। दिस पैंडेमिक सिचुएशन विल ईज डाउन इट विल गो ऑफ समडे एंड देन आफ्टर दैट जो आपने सीखा है जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है सब्जेक्ट के साथ अलग अलग टॉपिक्स के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीजें आपके करियर को बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सो इट्स नॉट ओनली मार्क्स एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड द क्लास टुडे दैट यू आर शोइंग इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट नॉट जस्ट गेटिंग मार्क्स एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर इन द क्लास। सो वी डिस्कस्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाउ दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय टू काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड दोज व्हिच हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां सेंट्रल मेटल आयन के साथ चार अदर एटम्स जुड़े होते हैं। So, यदि चार एटम जुड़े होंगे तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और यदि छह जुड़े हों तो उनको हम कहते हैं हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो ग्रुप्स हैं लिगेंड्स हैं कैटायनिक हो सकते हैं एनायनिक हो सकते हैं न्यूट्रल हो सकते हैं ये जिस जो संख्या सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ी होती है इसी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। Now, in complexes having coordination number 4, there are two types of geometries which are possible. ध्यान रखिएगा, अगर coordination number 6 है, तो geometry एक ही प्रकार की होगी और वो है octahedral geometry. लेकिन अगर coordination number 4 है, then there are two types of geometries which are possible. Either it will be tetrahedral geometry, as I have written here, या तो ये tetrahedral geometry होगी या ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर टू डिफरेंट काइंड्स जस्ट अ मिनट ओके सो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल इफ ए कॉम्प्लेक्स शोज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दो प्रकार की ज्योमेट्रीज हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो प्रकार की ज्योमेट्रीज किन परिस्थितियों में एग्जिस्ट करेंगी। आई वॉन्ट समबडी टू रेज योर हैंड वर्चुअली। मैं आपको अनम्यूट करूंगा ताकि आप मुझे बताएं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो प्रकार की ज्योमेट्रीज किन परिस्थितियों में एग्जिस्ट करती है। सो हूएवर वॉन्ट्स टू आंसर यू हैव टू रेज योर हैंड वर्चुअली एंड आई विल अनम्यूट यू ताकि आप बोल सके।
किन परिस्थितियों में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, किन परिस्थितियों में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी. ओके एनीवन एल्स? गणेश दीक्षित अपना हाथ उठा रहे हैं, बट लेट्स हैव मोर पीपल. देखिए गलत और सही तो बहुत बाद की बात है, प्रयास करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. जी एनीवन? ओके गणेश गो अहेड. सर जब बॉन्ड एंगल सर 109 डिग्री और 5 मिनट होगा तो उस केस में सर टेट्राहेड्रल शेप होगा उसका. अगर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 5 मिनट. ओके और कुछ, एनीथिंग एल्स? और स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा बॉन्ड एंगल? स्क्वायर प्लेनर में सर ये नहीं आता अभी. ओके ओके एनीवन एल्स? स्नेहा, स्नेहा मिश्रा वुड लाइक टू आंसर. ओके स्नेहा गो अहेड. सर जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका DSP2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है, और जब टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन होती है तब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो SP3 होते हैं. वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर स्नेहा. वंडरफुल, वेरी वेल आंसर्ड, वेरी वेल आंसर्ड. सो इन व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज SP3, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज SP3, इन दैट केस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फॉर्म्ड. एंड व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज SP2D, when hybridization is SP2D hybridization, in that case the geometry acquired is square planar. So tetrahedral geometry, square planar geometry, दो प्रकार की geometry संभव है. अगर SP3 hybridization होगा तो tetrahedral geometry बनेगी, अगर SP2D hybridization होगा तो square planar geometry बनेगी. और आगे मैंने लिखा है in tetrahedral geometry since all positions are identical, all positions are identical, and since all bond angles are the same, therefore stereoisomerism doesn't exist in tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes mein stereoisomerism ya keh lijiye geometrical isomerism exist nahi karta hai. Now is baat ko samjhane ke liye I want to use the whiteboard. I will try and use the whiteboard. I hope it works. Great. Yeah, looks seems to be working. चलिए बड़े interesting बात है. अब देखिए हमारे पास मान लीजिए ये M जो है ये हमारा central metal ion. M हमारा central metal ion. ठीक. और हम बात कर रहे हैं tetrahedral geometry में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की. तो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में पहले बात तो ये हमारे पास इस तरह से ये चार बॉन्ड बनेंगे, राइट? और अगर मान लीजिए हम इनको इस तरह से शो कर दें, लिगेंड ए, और अगर चारों लिगेंड सेम हो, ए ए ए, ये पोजीशन बन गई. ठीक, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर चार लिगेंड्स हमारे पास एक जैसे हों तो ये ज्योमेट्री बन, एक जैसे चार लिगेंड्स होने पर ये ज्योमेट्री बन गई. ठीक है, मान लीजिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो टाइप है MA4 टाइप कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यानी कि हम SP3 hybridization की बात कर रहे हैं, SP3 hybridization की, all four ligands are the same. अब जरा देखिए हम geometrical isomerism इसमें करने की कोशिश करें. geometrical isomerism को क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, we are simply trying to change the position of this A, bring it here, और हम इस ए की पोजीशन को शिफ्ट करके मान लीजिए हम यहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. केवल लिगेंड्स की जगह ही को बदलने का काम किया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में. इस ए को हम घसका करके यहां कर रहे हैं और
इस ए को मान लीजिए हम घसका करके यहां कर रहे हैं, हम चारों एज की पोजीशन को, चारों एज की पोजीशन को हम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमेजिन करिए कि हमने चारों एज की पोजीशन को, जैसे एरोज मैंने यहां बनाए हैं, इसको मैंने चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, सारे एज की पोजीशन को हमने शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट करने के बाद, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के बाद, अब मैं इसके ऊपर जो लीगेंड्स हैं उनको फिर से लिख रहा हूं। सो ये ए ए ए एंड ए, ओके। ना मुझे ये बताइए इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, ए और बी में क्या फर्क दिख रहा है? मान लीजिए इसको हम लेबल कर दें एज स्ट्रक्चर ए और इसको हम लेबल कर दें एज स्ट्रक्चर बी, तो स्ट्रक्चर ए और बी में क्या डिफरेंस दिख रहा है स्नेहा? आर यू अनम्यूट या गणेश और एनीबॉडी हु वुड लाइक टू आंसर? जी बताएं, ए और बी में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर कुछ नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं। जानवी, जानवी गो अहेड बताइए, ए और बी में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? सर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंस है। ओके, तो ए और बी में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? सर एटम्स अरेंजमेंट इन स्पेस। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स MA4 है, यानी चार लीगेंड्स हैं, चार अदर एटम्स हैं, चारों एक जैसे हैं, हमने चारों की पोजीशन को बदल दिया, बदलने के बाद स्ट्रक्चर ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं रहा। हमने ए को, हमने देखिए इस वाले ए को, ये जिस पे मैंने स्टिक लगाया है, इस ए को घसका के मैंने यहां कर दिया, फिर ये जो जिस पे डबल टिक लगाया उसको घसका के मैंने यहां कर दिया, फिर उसके बाद जिस पे स्टार लगाया उसको घसका के यहां कर दिया, फिर उसके बाद हमने जिस पे सर्कल बनाया उसको घसका के यहां कर दिया। वी हैव शिफ्टेड द पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स, लेकिन उस सारी शिफ्टिंग के बाद भी किसी प्रकार का कोई चेंज हमको स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि चारों लिगेंड्स एक जैसे। दूसरी बात यह है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल सेम है, यहां पर दोनों बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल सेम है, दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल सेम है, दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल सेम है। इसका मतलब चाहे ये स्ट्रक्चर ए हो चाहे स्ट्रक्चर बी हो, बॉन्ड्स के बीच में एंगल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, और जो अदर एटम्स हैं उनकी पोजीशन को बदल देने के बाद भी उनके बॉन्ड एंगल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पैदा हो रहा है। और इस वजह से हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर चार वाले कॉम्प्लेक्सेस जिसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती हो, इनमें किसी प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप चाहे अदर एटम्स की पोजीशन को बदल दें, पोजीशन को बदलने से ना उनके स्ट्रक्चर में कोई फर्क आ रहा है ना उनके बॉन्ड एंगल में कोई फर्क आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिस्ट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दैट इज द प्राइमरी रीजन। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर स्लाइड, नाउ इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यही बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, सिंस ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, सिंस ऑल बॉन्ड एंगल्स आर द सेम, देयरफॉर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हाउएवर ये केस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा नहीं होता है। हाउएवर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इफ सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशंस, अगर सिमिलर ग्रुप्स, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? अगल बगल, एडजेसेंट का मतलब अगल बगल, ऑपोजिट का मतलब विपरीत। सो इफ सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर, ओके, देन सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड सिस कॉम्प्लेक्सेस। अगर एडजेसेंट है सिमिलर ग्रुप्स, एक दूसरे के अगल बगल है, उनको सिस कहा जाएगा, और अगर सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट पोजिशन पर है तब उनको फिर ट्रांस कहा जाएगा। ओके, इस तरह से देखिए आप। सो ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये ग्रुप और ये ग्रुप ये सिमिलर ग्रुप्स हैं,
और ये एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्यों है जी? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि एंगल इन अ सर्कल, अब आप देखिए ये एंगल इन अ सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। और हमारे पास एक दो तीन चार इसमें हम लोगों ने बॉन्ड एंगल्स बनाए हुए हैं, तो 360 डिग्री बटे 4, एंड देयरफॉर ईच बॉन्ड एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्रीज। सो ये सीएल और सीएल ये दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, अगल बगल हैं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है, लिहाजा इस प्रकार के आइसोमर को हम कहते हैं सिस आइसोमर, सिस आइसोमर। अब अगला देखिए, सिमिलर ग्रुप अब एडजेसेंट पोजीशंस पर ना होकर के ऑपोजिट पोजीशंस पर, यहां सिमिलर ग्रुप्स एडजेसेंट थे, अगल बगल थे, अब ऑपोजिट है, तो सिमिलर ग्रुप्स के बीच में देखिए बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 90 ये और 90 ये, तो कुल मिला के कितना हो गया बॉन्ड एंगल विल बी नाउ 180 डिग्रीज। ऑल टुगेदर बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्रीज, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं ट्रांस कॉम्प्लेक्सेस। सो वी हैव सिस कॉम्प्लेक्सेस इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 where similar groups are present adjacent to each other, and we have trans complexes, the trans isomers, where similar groups are present on opposite positions, and of course there is a change in bond angle. So geometrical isomerism in coordination number 4 does not exist in tetrahedral geometry having sp3 hybridization, whereas it does exist in square planar complexes where the hybridization is sp2d hybridization. Okay. Now, let's go forward. So, ये हम लोगों ने अभी हम लोगों ने बात किया कि square planar complexes में ये जो type है इसको अगर आप लोग note कर रहे हैं, अगर आप अपने notes बना रहे हैं तो इसको मेहरबानी से मेरे साथ आप note करते चलिएगा। ये जो type है, इस type of complexes को हम कहते हैं MA2B2 type. MA2B2 complexes, okay? M is the centromeric ion. A2 का मतलब दो ligands एक जैसे हैं, और B2 का मतलब बचे हुए दो ligands भी एक जैसे हैं. So ये this is type MA2B2 complex. Let's go forward. ये देखिए यहाँ पर, okay? So ये example है, same example मैंने आपके लिए यहाँ बना के रखा है. ये cis, and of course, then we have similar groups. Ligands present on opposite positions. पहले CL जो है वो adjacent positions पर थे, अब CL opposite position पर है, लिहाजा इसको हम लोग trans कहते हैं. So this is coordination number 4 exhibiting geometrical isomerism in complexes of the type MA2B2. Now we have another type of complex, having coordination number 4, और इसको हम कहते हैं type MA2BC, यानी कि दो ग्रुप्स एक जैसे हैं और दो ग्रुप्स अलग अलग हैं. देखिए यहां पर दो ग्रुप्स है ना, A2 का मतलब दो ग्रुप्स एक जैसे, कुल मिला के चार ग्रुप्स होंगे ना, चार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसमें से दो एक जैसे हैं, एक अलग और एक अलग, बी एंड सी. इसके पहले जो टाइप था वो था टाइप MA2B2, यानी दोनों चार लिगेंड्स हैं, दो दो एक जैसे, A2B2. अब हमारे पास है टाइप MA2BC. अब आप देखिए यहां पर, See here, इसमें जो टाइप MA2 है यही आइसोमेरिज्म को डिटरमिन करता है. A2 टाइप पिरिडीन, पिरिडीन ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशंस पर है, लिहाजा कॉम्प्लेक्स का क्या नाम हो जाए? सिस आइसोमर कहलाए. और जब पिरिडीन पिरिडीन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे तब इनको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर्स. सो वी हैव सिस आइसोमर्स, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजिशन, and then we have the trans isomer where similar group is present on the opposite position. Ye type MA2BC, okay, in coordination number 4. Then we have another type of complex compound in coordination number 4, jisko hum kehte hain type MABCD.
यानी चार ग्रुप्स हैं, चार लिगेंड्स हैं, चारों अलग अलग हैं। अब आप देखिए यहां पर एक एमीन है, एक पिरिडीन है, हाइड्रोक्सिल एमीन है, नाइट्रो है, चार अलग अलग हैं ये लिगेंड्स। अब इसमें कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन चार में से किसी एक ग्रुप की पोजीशन को हम फिक्स कर देते हैं। हमने मान लीजिए अमीन ग्रुप की पोजीशन को फिक्स कर दिया, NH3 की पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया। अब इसकी पोजीशन को फिक्स कर दीजिए और बाकियों की पोजीशन को बदलते जाइए। तो देखिए पहले में नाइट्रो यहां पर है ऑन पोजीशन नंबर 1, पिरिडीन इज ऑन पोजीशन नंबर 2 एंड हाइड्रोक्सिल एमीन इज ऑन पोजीशन नंबर 3। इन द सेकेंड आइसोमर नाउ नाइट्रो गोज ऑन पोजीशन नंबर 3, पिरिडीन गोज ऑन पोजीशन नंबर 1, हाइड्रोक्सिल एमीन गोज ऑन पोजीशन नंबर 2। यानी कि हमने एक प्रकार से देखिए तो क्लॉकवाइज हमने लिगेंड की पोजीशंस को शिफ्ट कर दिया, क्लॉकवाइज इधर से इधर और इधर से इधर, क्लॉकवाइज हमने शिफ्टिंग कर दी। और तीसरे आइसोमर में वंस अगेन वी गो क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट गाइस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पहला वाला आइसोमर हमें फिर से ना मिल जाए। तो हमने पहले क्लॉकवाइज शिफ्टिंग करी, नाइट्रो को पोजीशन नंबर 3 पर पहुंचा दिया और हाइड्रोक्सिल एमीन को पोजीशन नंबर 2 पर पहुंचा दिया, पिरिडीन वेंट टू पोजीशन नंबर 1। इन द नेक्स्ट आइसोमर पिरिडीन विल कम हियर ऑन पोजीशन नंबर 3, नाइट्रो विल कम ऑन पोजीशन नंबर 2 एंड हाइड्रोक्सिल एमीन विल गो ऑन पोजीशन नंबर 1। अब अगर हम एक बार फिर से क्लॉकवाइज लिगेंड्स की शिफ्टिंग करेंगे, एक बार फिर से हम क्लॉकवाइज लिगेंड्स की शिफ्टिंग करेंगे तो जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है दिस विल बिकम सिमिलर टू स्ट्रक्चर नंबर 1। ये पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 1 विल बिकम एग्जैक्टली सिमिलर। इसीलिए स्ट्रक्चर नंबर 3 में किसी प्रकार की लिगेंड या ग्रुप की शिफ्टिंग फिर नहीं होगी। तो कुल मिला के कितने आइसोमर बने? एक आइसोमर, दो आइसोमर और तीन आइसोमर। अब ध्यान दीजिएगा यहां सिस ट्रांस आइसोमर अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस समय। देर आर नो सिस ट्रांस आइसोमर्स बट देर आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनमें सिस ट्रांस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अगर सिमिलर ग्रुप्स अगल बगल हैं, सिस आइसोमर ऑपोजिट में है ट्रांस आइसोमर। लेकिन कुछ ऐसे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट तो करता है लेकिन सिस ट्रांस टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं है। इट इज ओनली प्योर सिंपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें एक एग्जाम्पल आपके सामने है टाइप MABCD, जिसमें हमने एक ग्रुप की पोजिशन को फिक्स कर दिया और बाकी ग्रुप की पोजिशन को हम तब तक शिफ्ट करते रहेंगे जब तक कि हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना मिल जाए। तो स्ट्रक्चर 2 बना, फिर स्ट्रक्चर 3 बना। अब स्ट्रक्चर 3 में हम फिर अगर क्लॉकवाइज शिफ्टिंग करेंगे देन वी विल अगेन गेट स्ट्रक्चर नंबर 1। सो इसके आगे फर्दर शिफ्टिंग नहीं होगी। सो देयर आर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन टाइप MABCD कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस। ओके नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में हम लोगों ने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें देखी हैं। पहली बात ये देखी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो प्रकार की ज्योमेट्रीज होती हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर किसी प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है क्योंकि कितना भी हम पोजीशंस को हम इंटरचेंज करते रहे ताकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाए लेकिन कितनी बार भी हम शिफ्टिंग करेंगे देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर। बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर therefore there is no point of shifting the groups and that's why we say that geometrical isomerism does not exist in tetrahedral type of complexes. However, in case of square planar type of complexes the geometrical isomerism exists. So hum logon ne teen types complexes ko humne study kiya, type MA2B2, type MA2BC and then we also did type MABCD jisme charo groups charo ligands एक दूसरे से फर्क। नाउ वी मूव ऑन एंड वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि जहां कोऑर्डिनेशन नंबर
सिक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है. ओके okay? अब आप देखें यहां पर सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप एम ए फोर, यानी चार लिगेंड एक जैसे हैं, दो लिगेंड एक जैसे हैं. तो ये जो दो लिगेंड एक जैसे हैं, लिसन केयरफुली, यही जो दो लिगेंड एक जैसे हैं, यही सिस एंड ट्रांस आइसोमर को प्रोड्यूस करेंगे. जो दो लिगेंड देखिए एक जैसे हैं, सीएल एंड सीएल, ये एक जैसे हैं ना, एंड दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर. एंड बिकॉज दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दैट इज व्हाई द आइसोमर विल बी रेफर्ड एज सिस आइसोमर. और अगर इसकी पोजिशन को हमने यहां से उठा करके यहां कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, ऑपोजिट पोजिशंस पर डाल दिया, ऐसे में ये आइसोमर कहलाएगा ट्रांस आइसोमर. अब मुझे बताइए इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए और मुझे बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ आइसोमर नंबर ए, और आप में से कुछ लोग आइसोमर नंबर बी का नाम लिखिए फटाफट से. Write it in the chat box and tell me what is the name. Let's see. Okay. Answers started coming in. Good. Karte jaiye. Likhiye. Ji. Go forward. ओके वेरी गुड. चलिए पहले वाले का देखते हैं. जो स्ट्रक्चर ए है हमारा, आइसोमर ए है जिसको कि हम सिस आइसोमर कहते हैं, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, सिस स्पेस हाइफन स्पेस. हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के समय में इसको पढ़ा था, सिस स्पेस हाइफन स्पेस. अब देखिए हमारे पास अमीन लीगेंड है स्टार्टिंग विथ ए, हमारे पास क्लोरो लीगेंड है स्टार्टिंग विथ सी, तो नेचुरली वी विल यूज ए. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आता है पहले, तो हो जाएगा सिस, और चार अमीन है तो हो जाएगा सिस टेट्रामीन. ओके चार अमीन हो गए, दो है क्लोरो, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरो सिस टेट्रामीन डाइक्लोरो. अब देखिए आप क्रोमियम थ्री स्पेस आयन. अब ये थ्री क्यों हो गया? इधर देखिए आप दो सीएल पर यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा तो ये माइनस माइनस हो गया, तो ये दोनों माइनस मिला के हो गया माइनस टू. और बाहर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्रोमियम पर होगा प्लस थ्री. सो प्लस थ्री एंड माइनस टू विल मेक इट प्लस वन, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग सिस स्पेस हाइफन स्पेस टेट्रामीन चार अमीन है, डाइक्लोरो क्रोमियम थ्री आयन. याद रखिएगा wherever we are talking about a cationic complex ion or a neutral complex ion, the name of the central metal ion does not get any special ending, it will just simply be chromium will remain as chromium. Agar ye negatively charged ion raha hota tab chromium chromate ho jata, lekin yahan par positive hai to ye chromium chromium rahega. So cis indicating that the two chloro ligands are adjacent to each other, और ये वाले का नाम एग्जैक्टली सेम होगा, फर्क सिर्फ ये है यहां पर सिस की जगह आ जाएगा ट्रांस एंड द रेस्ट विल बी द सेम, इंडिकेटिंग दैट द टू क्लोरो लिगेंड्स आर प्लेस्ड ऑन ऑपोजिट पोजीशंस. ओके ट्रांस स्पेस हाइफन टेट्रामीन डाइक्लोरोक्रोमियम थ्री आयन. रिवांशी प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट द वर्ड आयन बिकॉज यू आर नेमिंग एन आयन. तो अगर आप आयन ये जो है अगर इसको नहीं लिखेंगे आप तो फिर बात इनकम्प्लीट रह जाएगी. ओके सो टाइप एम ए फोर बी टू, लेट्स गो फॉरवर्ड. टाइप एम ए थ्री बी थ्री, यानी कि हमारे पास दो ही प्रकार के लिगेंड्स हैं, तीन तीन, द नंबर्स आर थ्री थ्री.
तीन लिगेंड एक जैसे कुल मिलाकर के 6 हो गया। अब आप देखिए यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप, दिस कॉम्प्लेक्स में ऑल्सो बी रिटन एज एम ए टू बी टू ए बी, यानी एम ए थ्री बी थ्री में से एक एक ए को हटा, एक एक ए और एक बी को हटा के हमने अलग कर दिया और हम कह रहे हैं कि इसमें ऑल्सो बी कॉल्ड एम ए टू बी टू ए बी टाइप। द ए एंड बी, ये जो अलग किए हुए ए एंड बी है, दे आर फर्स्ट प्लेस्ड ऑन एक्सियल पोजिशंस एंड देन द रिमेनिंग टू एज एंड टू बीज आर प्लेस्ड एडजेसेंट और ट्रांस टू ईच अदर टू ऑब्टेन सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। देखें यहां पर हमने कहा कि ये जो एम ए थ्री बी थ्री है इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो है एम ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री में से एक एक ए हटा दिया, एक ए हटा दिया, एक बी हटा दिया, इसको हमने अलग कर दिया और हमने कहा कि एम ए थ्री बी थ्री में ऑल्सो रिटन एज एम ए टू बी टू ए बी टाइप। ये जो ए बी हमने अलग किया, इसको ए को पहले हमने एक एक्सियल पोजिशन पर रखा, बी को हमने दूसरी एक्सियल पोजिशन पर रखा। देखिए ये सामने आपके, ये एक ए हो गया, ए थ्री का एक ए और बी थ्री का एक बी हमने पहले एक्सियल पोजिशन पर इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद जो ए टू और बी टू बचा, अगर हमने दोनों एज को एडजेसेंट पोजिशन पर रखा तो ये सिस आइसोमर कहलाएगा और दोनों एज को यदि ऑपोजिट पोजिशन पर रख दिया तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। इसका मतलब आउट ऑफ एम ए थ्री बी थ्री वी विल फर्स्ट रिमूव वन ए एंड वन बी, पुट देम ऑन एक्सियल पोजिशन, सॉर्ट ऑफ गिव देम एन ओरिजिनल पोजिशन एंड देन इफ वी प्लेस द टू सिमिलर ग्रुप्स एडजेसेंट दे विल बी कॉल्ड सिस आइसोमर एंड इफ वी प्लेस देम ऑन ऑपोजिट, जैसा कि यहां पर देखिए यहां पर ये दोनों एडजेसेंट पोजिशन पर है सिस कहलाएंगे और ये दोनों ऑपोजिट पोजिशन पर है तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाएंगे। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन द टाइप एम ए थ्री बी थ्री। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज एम ए ए टू बी टू और एम ए ए टू बी सी। अब देखिए यहां पर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, पहला वाला एम ए ए टू बी टू, इसमें ए ए जो इंडिकेट कर रहा है, ए ए रिप्रेजेंट्स ए बाइडेंटेट लिगेंड, ओके बाइडेंटेट। नाउ दिस ए ए, दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड एंड हाउ डू वी नो दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, बिकॉज दिस वन लिगेंड इज ऑक्यूपाइंग टू पोजिशंस, दिस पोजिशन ऑल्सो एंड दिस पोजिशन ऑल्सो, सो दिस वन लिगेंड इज ऑक्यूपाइंग टू पोजिशंस। ये है दिस वन लिगेंड इज ऑक्यूपाइंग टू पोजिशंस, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बाइडेंटेट लिगेंड। सो एम ए टू बी टू जो दूसरा लिगेंड है, यहां पर सिमिलर है और यहां दोनों लिगेंड्स एक दूसरे से भिन्न है। अब आप देखिए यहां पर ए ए रिप्रेजेंट्स ए बाइडेंटेट लिगेंड, सच लिगेंड्स ऑक्यूपाई टू पोजिशंस एंड देयर पोजिशनिंग गिव्स राइज टू आइसोमर्स। तो आप देखिए ये जो दोनों बाइडेंटेट लिगेंड है, इन्होंने ये सारी पोजिशंस को ऑक्यूपाई कर लिया तो B2 के पास क्या बचा, B2 के पास एक ये पोजिशन बची और एक ये पोजिशन बची, इसी को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब देखिए, नाउ बिकॉज दे आर एडजेसेंट टू इच अदर दिस इज कॉल्ड ए सिस आइसोमर एंड नाउ अब देखिए यहां पर आप ये जो बी बी है ये भी ऑपोजिट है और जो बाइडेंटेट लिगेंड है ये भी ऑपोजिट पोजिशंस पर है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांस आइसोमर कहते हैं। सो व्हेन सिमिलर लिगेंड्स, चाहे वो बाइडेंटेट लिगेंड हो चाहे वो मोनोडेंटेट लिगेंड हो, जब ये एडजेसेंट पोजिशंस पर है सिस आइसोमर कहलाएगा और जब ये ऑपोजिट पोजिशंस पर है तब ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ द टाइप एम ए ए टू बी टू या एम ए ए टू बी सी। अब देखें यहां पर आप एम ए ए टू बी टू का तो आपके सामने एग्जाम्पल बना हुआ है। अगर मान लीजिए
ये टाइप एम ए टू बी सी रहा होता तो इस बी की जगह यहां पर सी होता और इस बी की जगह यहां पर सी होता. इसका मतलब यह है दैट दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मोनोडेंटेट लिगेंड. इन फैक्ट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द बाइडेंटेट लिगेंड. अगर ये मान लीजिए अभी एक सेकंड के लिए आप इसको भूल जाइए, इस बी को भूल जाइए, ये बी सी है और इस बी को भूल जाइए, ये बी सी है. हम लोगों ने अभी क्या डिफाइन किया था, व्हेन सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशंस देन आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर. अब अगर आप बी और सी को लेकर के चलेंगे तो ये तो सिमिलर लिगेंड्स नहीं है. तो अगर ये सिमिलर लिगेंड्स नहीं है और ये अगल बगल है तो इनको हम सिस आइसोमर कैसे कहें, क्योंकि सिस आइसोमर की परिभाषा है कि सिस आइसोमर्स आर फॉर्म व्हेन सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट पोजीशंस. And by the way, B and C are not similar ligands. They are different ligands. Which means that geometrical isomerism in such complexes is not dependent upon the monodentate ligand. In fact, it is dependent upon the bidentate ligand. Ab aap dekhiye, bidentate ligand AA, AA similar hai aur ek dusre ke adjacent hai. Aur isi liye isko hum cis kehte hain. Aur aap dekhiye, yahan par ye AA aur AA ye opposite positions par hai. इसीलिए इसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं. विच मींस इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप एम ए ए टू बी टू या एम ए ए टू बी सी द आइसोमेरिज्म और द डेवलपमेंट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर डिपेंड्स नॉट ऑन द मोनोडेंटेट लिगेंड द बी टू और द बी सी बट इट डिपेंड्स अपॉन द बाइडेंटेट लिगेंड एंड देयर पोजीशंस. सो इफ टू सिमिलर बाइडेंटेट लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशंस देन द ज्योमेट्री इज कॉल्ड द सिस आइसोमर. Whereas if the two similar bidentate ligands are present on opposite positions, then the isomer is referred as a trans isomer. So, ये important observations हैं जो कि समय के साथ आप सीखेंगे. मैंने कहा ये वाली बात तब सामने आई जब हमने MAA to BC type complexes के बारे में बात करी. अगर MAA to B2 type complex की बात करते जैसा कि पहले था तो कोई problem नहीं होती, क्योंकि B2 का मतलब सिमिलर लिगेंड्स, B2 का मतलब ऑपोजिट पोजीशंस पर सिमिलर लिगेंड, तो वहां पर तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर किसके द्वारा हो रहा है ये कहना मुश्किल है. लेकिन जैसे ही BC टाइप कॉम्प्लेक्स आ गया, इमीडिएटली द मैटर इज क्लियर दैट सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म डिपेंड्स नॉट ऑन द मोनोडेंटेट टाइप ऑफ लिगेंड्स बट ऑन द बाइडेंटेट टाइप ऑफ लिगेंड्स. एंड बाइडेंटेट लिगेंड्स आर सिमिलर बाइडेंटेट लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशंस. Cis isomer is formed, while if similar bidentate ligands are present on opposite positions, then the trans isomer is formed. Okay. Now, then we have optical isomerism in coordination number 6. में ये तीन प्रकार और ये दो प्रकार, ये जो complexes हैं, इसको देखिएगा. MA6 MAB5 और MA5B लिखा है, they don't show cis trans isomerism. They will not show cis trans isomerism. इसको समझिएगा क्यों. देखिए आप, ये वही वाली बात है जो अभी tetrahedral geometry में हमने discuss करी थी. इसको मैं आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ. Just take a look. I'm only trying to explain कि MA6 type complex में geometrical isomerism क्यों नहीं होगा. अब देखिए यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर प्लेनर बेस है, ये हमारा ए एम है, एक दो तीन चार पांच छ बॉन्ड्स है. छह बॉन्ड्स का मतलब ये हुआ कि छह पोजीशंस हो गई. इन पे कौन है, ए ए ए ए ए ए एम ए सिक्स. अब आप इन ए की पोजीशंस को बदल दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, सबकी पोजीशंस को बदल दीजिए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जैसी आपकी इच्छा. एक बार सारी पोजीशंस को बदलने के बाद, एक बार या एक से ज्यादा बार भी सारी पोजीशंस को बदलने के बाद भी बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का फर्क नहीं आएगा, क्योंकि छह लिगेंड्स एक जैसे हैं. और क्योंकि छह लिगेंड्स एक जैसे हैं
इसीलिए किसी प्रकार का नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरेट नहीं होगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि MA6 टाइप कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखता है। आगे चलते हैं, लेट्स सी हियर, हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, ये वाला MAB5 वाला, फिर से मान लीजिए वी हैव M और ये 6 बॉन्ड्स हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक, और A अपनी जगह पर है, ओके, MAB5 टाइप है ना, तो A जो है वो अपनी जगह पर लिगेंड प्रेजेंट है, और ये हमारे पास 5B है, फाइव बीज, देयर विल बी नो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइदर इन MAB5 और एन आइदर इन MA5B, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है इसके अंदर किसी प्रकार का सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया गया है, या अगर पाया भी गया है तो उसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है, पीपल आर स्टिल नॉट श्योर वेदर दीज टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विल एक्चुअली एग्जिबिट एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड देन ऑफकोर्स वी हैव द टाइप MABCDEF जिसमें 6 लिगेंड्स हैं, 6 एक दूसरे से अलग हैं, इसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है, और करीब 15 अलग अलग प्रकार के आइसोमर्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन वेरियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, 15 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोमर्स मे बी एक्सपेक्टेड, हाउएवर वर्क इज गोइंग ऑन स्टिल, सो दैट्स अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नाउ वी गो ऑन टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों को देखना है। नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप सब लोग पढ़ चुके हैं, आप मैथमेटिक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी आपने पहले पढ़ा है, मैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, बट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारा आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में भी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट द परव्यू और द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ माय लेक्चर is to talk about the isomerism in coordination compounds. So there is a limited area in terms of optical isomerism that I'm trying to cover here. Okay. Now, substances which can rotate the plane of polarized light are called optically active substances. ये बहुत ही elementary बात है जिसको आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो substances जो plane of polarized light को आइदर लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, यानी कि व्हेन लाइट विल गो थ्रू दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दे विल चेंज द प्लेन इन विच दे आर मूविंग, ओके, एंड सच कॉम्प्लेक्सेस विल बी कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस। द आइसोमर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कैन रोटेट The plane of polarized light to the right, ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं dextrorotatory या deform, dextrorotatory या deform। ये वो आइसोमर है जो plane of polarized light को right दिशा में, it is rotating the plane of polarized light to the right। अभी ध्यान दीजिएगा, मेरा right है, आपको हो सकता है left दिखाई दे रहा, आपका left मेरा right है, okay? But I will do it as per my direction। So if the isomer will rotate the plane of polarized light to the right, that isomer will be called a dextrorotatory. And if the isomer can rotate the plane of polarized light to the left, it is called levorotatory. Or when you say D form or L form, jo words hain wo nikal kar ke aa rahe. So what is D form? D form wo isomer hai jo plane of polarized light ko right ki taraf rotate kar sakta hai. और L फॉर्म वो है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर सकता है। नाउ देयर इज अ डिवाइस और देयर इज एन इक्विपमेंट व्हिच इज कॉल्ड पोलारीमीटर, और पोलारीमीटर में ही ये स्टडीज की जाती हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, किस डायरेक्शन में उसका आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, वो सारा जो स्टडीज है वो सब पोलारीमीटर और उसकी सहायता से की जाती है। द डी एंड एल फॉर्म्स are mirror images of each other.
under the condition. Now, this is a very, very important thing. That's a very, very important thing. You have to understand under the condition. Kya condition ki yahan par baat ki ja rahi hai. So, you have to take a note of that. Under the condition that such compounds should not have a plane of symmetry in their structure. Yani non-symmetrical honi chahiye. Agar wo symmetrical ho gaye, to wo non-superimposable ho. और अगर उनको सुपर इम्पोज होना है तो उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. ओके, इट्स और दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट दैट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. इफ दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री देन दे विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल. नाउ फॉर एग्जाम्पल माई हैंड्स, ओके, मान लीजिए मेरा एक हाथ है ये वाला, अगर यहां बीच में एक मिरर लग जाए और आप देखेंगे तो आपको यही मेरा हाथ ऐसा दिखाई देगा. सिमेट्रिकल है. क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये वाला हिस्सा है उसी डायरेक्शन में ये हिस्सा है, और ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ये भी अंदर की तरफ मूव कर रहा है. सिमेट्रिकल है ये. अब सिमेट्रिकल अगर है तो अगर हम एक दूसरे के ऊपर इसको रखने की कोशिश करेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया. देखिए आपको ये मेरा जो थंब है ये अलग मूव कर रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल. नॉन सुपर इम्पोजिबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है. ओके, सिमेट्रिकल है, इसीलिए नॉन सुपर इम्पोजिबल. लेकिन यदि ये नॉन सिमेट्रिकल होता, देखिए आप ये वाला है ना, तो ये जो मेरा थंब है इसका मेरा पाम जो है इसका थंब इस डायरेक्शन में है, और ये वाला जो पाम है इसका थंब ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ओके, they are non-symmetrical, but when they are required, they will superimpose each other. Non-symmetrical, superimpose हो जाएंगे, symmetrical होंगे, non-superimposable होंगे. So D and L forms that. दोनों mirror images हैं, ये ध्यान रखिएगा. Both are mirror images, but one is superimposable, other is not superimposable. और अगर mirror images हैं, superimpose होना है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे डिफर ओनली इन द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. नाउ वी हैव थ्री और फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे हैं. We have the first type, which is the type MAA2B2. देखिए आप यहां पर MAA2B2, right? Same है ये, same है जो अभी हम लोग डिस्कस किया था MAA2B2. वो आप देखिए यहां पर ये अगर B2 है तो ये सिमिलर लिगेंड्स हो जाएंगे, सिमिलर ग्रुप्स हो जाएंगे. अगर ये ऑपोजिट पोजिशंस पर है तो ट्रांस होगा, और अगर ये एडजेसेंट पर है तो सिस होगा. लेकिन यदि ये कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAA2BC होता तो ये B की जगह यहां पर C होता, और यहां पर भी B की जगह C होता, तब उससे क्लियर होता है दैट दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मोनोडेंटेट टाइप ऑफ लिगेंड बट डिपेंडिंग अपॉन द बायोडेंटेट लिगेंड. ये सिमिलर है, एडजेसेंट है, इसीलिए सिस फॉर्म है, ये सिमिलर है और ऑपोजिट पोजिशन पर है, इसीलिए ट्रांस आइसोमर है. दिस इज MAA2B2 टाइप. Now listen very carefully, very very carefully. अगर हम trans isomer का mirror image बनाएं, अगर trans isomer का mirror image बनाएं, देखिए यहां पर आप the cis isomer being asymmetric is optically active and will have the D and L forms. अब देखिए यहां पर ये cis form है. इसका mirror image ये होगा, ये इसका मिरर इमेज है जो कि नॉन सिमेट्रिकल है. इसीलिए जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाया जाएगा, तो ये आकर के एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे. इमेजिन करिए ये वाला जो आइसोमर है इसको हम इस ओर शिफ्ट कर दें तो ये घसक करेगा, ये घसकते 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 इधर आ जाएगा. सो सिस आइसोमर बीइंग एसिमेट्रिक इज ऑप्टिकली एक्टिव, और इसके अंदर डी एंड एल फॉर्म्स होंगे.
हाउएवर ट्रांस आइसोमर जो है ना इसके अंदर सिमेट्री होगी, इसके अंदर सिमेट्री होगी और इसीलिए इसमें डी और एल फॉर्म का मिलना मुश्किल है. द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स इन ट्रांस आइसोमर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल. Whereas in the cis form, being non-symmetrical, yeah, asymmetrical, they will have the D form and the L form. That's MAA to B2 type, yeah, MAA to BC type of complexes. The next type is MAA3 type. यानी कि देखिए आप MAA मतलब bidentate ligand है. Bidentate का मतलब two positions occupy करते हैं और तीन हैं एक जैसे, तो ये हो जाएगा three twos are six. यानी कि ऑक्टाहेड्रल के छह पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गए. देखिए इधर इथिलीन डायमीन पहले लिगेंड ने ये दो पोजीशंस ऑक्यूपाई करी, दूसरे बाइडेंटेट लिगेंड ने ये दो पोजीशंस ऑक्यूपाई कर ली, तीसरे बाइडेंटेट लिगेंड ने ये वाली दो पोजीशंस ऑक्यूपाई कर ली. इसका मतलब छह पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई. नाउ दीस आइसोमर्स ऑल्सो एग्जिस्ट एज ऑप्टिकल आइसोमर्स but they form non-superimposable mirror images. Non-superimposable mirror images. देखिए आप अगर हम इसको इधर shift करेंगे, इसको घसाएंगे और इस वाले structure को हम इसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे तो ये घसकते 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 ये EN यहाँ आ जाएगा. Non-superimposable. अगर superimposable रहा होता तो ये वाला ethylene diamine इसके ऊपर मर्ज हो जाता, भाई ये non-superimposable है. So, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, बट दे विल फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. इधर देखिए ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को क्रिएट करेगा. ट्रांसफॉर्म जो है ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को क्रिएट करेगा. सो ये वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर इमेजेस, सम विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल. एग्जाम्पल आपके सामने एक ये वाला नॉन सुपर इम्पोजिबल, बट देन वी ऑल्सो हैव सम सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. And then we have type MAA2, B2, C2 type complexes. इधर देखिएगा MAA2, B2 type complexes. Okay? I'm sorry. This should be MAA, single A. क्योंकि ये दो positions को occupy कर रहा है. ये वाला और ये वाला. So ये bidentate ligand हो गया. Similar groups on adjacent positions, similar groups on adjacent positions, या अगर इसका हम mirror image बनाएंगे, देखिए आप इधर, तो ये CL इधर है, ये amine इधर है, ये CL इधर, amine इधर, और ये mirror image होने के नाते इधर चला गया. इसको भी हम कहते हैं these are mirror images, but they are non superimposable mirror images. So once again, let me tell you that there are mirror images which may be superimposable, but then there are mirror images which are non-superimposable. So this brings us to the end of optical isomerism. This brings us to the end of isomerism in coordination compounds. हम लोगों ने इस context में बहुत सारी बातों को हमने discuss किया है, and I hope that many of the things, most of the things will be retained in your mind. Now please keep making your notes in detail. अच्छे से अपने notes बनाइए based on our lectures, और आप जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो देर विल बी मेनी अदर डिफरेंट थिंग्स विच यू विल फाइंड देयर. सो इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दैट इनटू योर नोट्स एंड मेक वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स.